मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पेशावर के चमकनी बीआरटी स्टेशन से मशकूक शख्स कार समेत कॉरिडोर में दाखिल हो गया, जिसकी फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फुटेज में भी आप देख सकते हैं, क्विक रिस्पांस फोर्स के ताकुब के हवाले से ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और फोर्स के ताकुब पर कार सवार पर फायरिंग की गई, सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुआ। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। चमकनी बीआरटी स्टेशन से मशकूक मोटर कार कॉरिडोर में दाखिल हुई और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के ताकुब पर कार सवार पर फायरिंग की गई, सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, इसी पर मजीद जान लेते हैं। शहजादा फहद हमारे साथ है। शहजादा फहद, अपडेट कीजिएगा। अभी बिल्कुल चमकनी बीआरटी स्टेशन में एक मुश्तबा शख्स मोटर कार समेत बीआरटी कॉरिडोर में दाखिल हो गया। इस दौरान जो मुश्तबा शख्स है उसको कैंट रेलवे स्टेशन के करीब रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान उस मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया इसके बाद वो जो फरार हो रहा था उसको कैंट के करीब ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो मुश्तबा शख्स है उससे तफ्तीश की जा रही है। और दूसरी जानब जो गाड़ी लेके कॉरिडोर में दाखिल हुआ था उसकी भी महकमा एक्साइज एंड टेक्निशियन से वेरिफिकेशन की जा रही है। और जो सिक्योरिटी गार्ड था जो फायरिंग से जख्मी हो गया था उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया जा